नमस्कार। अब ये फ्लोरिकल्चर के इसमें हम आते हैं, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी है एक प्रकार की। ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये पूरा ये एक ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर है। इस तरह से ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जो ग्लास या पॉलीकार्बोनेट या पॉलीथीन, इस तरह के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं। और इनके अंदर टेम्परेचर, सारी कंडीशंस, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशंस को कंट्रोल में रख के और प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। ये एक स्ट्रक्चर है ग्रीन हाउस का, जो नॉर्मल सिंपल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सभी तरह से एनवायरमेंटल कंडीशन को मेंटेन किया जाता है और प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। ये दूसरा स्ट्रक्चर आप देखेंगे, यहाँ पर इस तरह से सोलर रेडिएशन नीचे की तरफ आते हैं, तो एवरीथिंग इन ग्रीन हाउस एब्जॉर्ब बाय शॉर्ट वेवलेंथ, और जिससे कि ये वार्म होता है, गर्म होता है, और फिर ये सोलर रेडिएशन ऊपर की तरफ जाकर वेंटिलेशन से इस बाहर की तरफ निकलता है, ठंडी हवाओं का आना अंदर होता है, और इस तरह से रोटेशन, जो हवाओं का रोटेशन होता है, तो फ्री शेयर प्लांट्स को मिलती है जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सके आराम से और ग्रीन हाउस का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। तो यहाँ पर वेंटिलेशन भी लगाए जाते हैं, कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है, और शेड भी लगाए जा सकते हैं, लगाते हैं। और ग्लास हाउस जो होते हैं उनको पूरी तरह से ग्लास से कवर्ड कर दिया जाता है। पॉली हाउस जो होते हैं जिनको पीसी या पॉलीथीन से कवर्ड किया जाता है, और ज़रूरत के हिसाब से जिस तरह से वातावरण में जिस तरह की टेम्परेचर या कूलिंग या जिस तरह की ज़रूरत होती है, तो उनको इस तरह से बनाया जाता है कि उनको हम फोल्ड्स कर सकें और खोल सकें उसको, ग्रीन हाउस को। कभी रूफ से खोल दिया जाता है, कभी साइडों से खोल दिया जाता है, उनको इस तरह से तैयार किया जाता है। तो ये तो ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर हैं, ये 1 और 2। ये और कई तरह के ग्रीन हाउस बनते हैं, अलग अलग टाइप के बनते हैं, तो वो आगे हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस है क्या, किस तरह की टेक्नोलॉजी है। तो ग्रीन हाउस जो है वो एक टेक्निक है जो पादपों को उनकी वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है तथा एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाता है। उचित लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और कार्बन डाइऑक्साइड को उचित मात्रा में प्रदान करके पौधों की अच्छी ग्रोथ और मैक्सिमम यील्ड और बेस्ट क्वालिटी तैयार की जा सकती है ग्रीन हाउस में। ग्रीन हाउस एक कवर्ड स्ट्रक्चर है जो प्लांट्स को विंड, प्रेसिपिटेशन, एक्स्ट्रा सोलर रेडिएशन और हाई टेम्परेचर, पेस्ट और डिसीज़ के अटैक से बचाता है। भारत में भी ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी जो है वो 1960 में रिसर्च पर्पस के लिए बनाए गए थे, और कमर्शियल पर्पस के लिए भारत में ग्रीन हाउस की शुरुआत 1988 में की गई थी। ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर इसी तरह से राजस्थान, जयपुर, दुर्गापुर जयपुर में भी एक तैयार किया गया ग्रीन हाउस। वहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी हार्टिकल्चर दुर्गापुर, यहाँ पर भी इस तरह की शुरुआत की गई है। ग्रीन हाउस एक ऐसी संरचना है जिसमें मुख्य रूप से पारदर्शी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मतलब ग्रीन हाउस को बनाने में इस तरह की पारदर्शी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कांच की दीवारें और छत बनाई जाती हैं, जिससे विनियमित जलवायु की आवश्यकता वाले पौधों को उगाया जाता है। ये संरचना आकार में छोटे शेड से लेकर औद्योगिक आकार की इमारतों तक होती है, मतलब छोटे ग्रीन हाउस भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। जिस प्रकार से मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए यदि बनाए गए हैं तो काफ़ी बड़े बड़े ग्रीन हाउस भी बनाए जाते हैं। तो एक छोटे ग्रीन हाउस को ठंडे फ्रेम के रूप में जाना जाता है, और ठंड के मौसम में इसकी सामग्री की रक्षा करते हुए सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने वाले ग्रीन हाउस का बाहरी तापमान काफ़ी गर्म हो जाता है। ग्लास ग्रीन हाउस स्क्रीनिंग, इंस्टॉलेशन, हीटिंग, कूलिंग और लाइटिंग सहित उपकरणों से ग्लास ग्रीन हाउस जो होते हैं ग्लास के बने हुए। ग्लास ग्रीन हाउस मतलब उसकी रूफ और उसकी लैटरल साइड्स जितनी भी हैं सारी ग्लास की बनी हुई होती है, और ये जो है इन स्क्रीनिंग, इंस्टॉलेशन, हीटिंग, कूलिंग और लाइटिंग सहित सभी उपकरणों से सुसज्जित होते हैं। मतलब इनके अंदर हीटिंग करने के लिए, हीटिंग को, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, फिर कूलिंग को मेंटेन करने के लिए,
प्रॉपर लाइटिंग के लिए सारे सारे उपकरण होते हैं, मतलब सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके द्वारा हम एक निश्चित टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर, कूलिंग, लाइटिंग सभी कुछ मेंटेन करते हैं, ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं और प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो पौधों के विकास के लिए जो स्थितियां हैं उनको अनुकूलित करने के लिए इनको कंप्यूटर के द्वारा या तो मैन्युअली इनको कंट्रोल किया जाता है या फिर कंप्यूटर के द्वारा इनको नियंत्रित जो सिस्टम जो इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं उनको नियंत्रित किया जा सकता है कंप्यूटर के द्वारा भी और मैन्युअली भी। ग्रीन हाउस की उपयोगिता ऐसे देशों में बहुत अधिक हो जाती है जहाँ पर अत्यधिक ठंडा क्लाइमेट होता है, यानी कि टेम्परेट रीजन में जहाँ पर किसी भी क्रॉप को अत्यधिक ठंड के कारण ग्रो नहीं किया जा सकता। टेम्परेट रीजन जितने भी हैं वहाँ पर बर्फ़ इतनी ज़्यादा इतनी अधिक होती है कि हम किसी भी क्रॉप को वहाँ पर ग्रो नहीं कर सकते। उसके लिए ग्रीन हाउस टेक्निक के द्वारा वैल्यूएबल क्रॉप को ग्रो किया जा सकता है, मतलब ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत गर्म बर्फबारी बर्फ होती है, ठंडे प्रदेश है जहाँ बहुत, वहाँ पर ग्रीन हाउस एस्टैब्लिश किए जाते हैं और उनके अंदर टेम्परेचर, कूलिंग और सभी सिस्टम्स को, ह्यूमिडिटी, फॉग सभी मेंटेन किए जाते हैं और जिससे कि हम वैल्यूएबल क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। तो ग्रीन हाउस में आवश्यकता अनुसार एनवायरमेंटल कंडीशन में परिवर्तन किया जा सकता है। स्ट्रक्चर किस तरह का होगा किसी भी ग्रीन हाउस का, मतलब एक नॉर्मल ग्रीन हाउस का स्ट्रक्चर किस तरह का हो सकता है? तो ग्रीन हाउस जो है नॉर्मली कई तरह के आवरण सामग्रियों से बने हुए होते हैं, जैसे कांच है, प्लास्टिक की छत, कांच या प्लास्टिक की दीवारों के साथ बनी हुई एक संरचना होती है। कांच और प्लास्टिक की दीवारों वाला ये गर्म होता है क्योंकि सूर्य के द्वारा जो भेजे जा रहे विजिबल रेडिएशन को प्लांट्स, सॉइल, फ्लोर और जो बिल्डिंग है उसके भीतर की सारी चीज़ें, सभी कंटेंट के द्वारा ये जो सोलर रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन है, ये अवशोषित एब्जॉर्ब किया जाता है और ग्लास इसी रेडिएशन के लिए पारदर्शी है। ग्रीन हाउस के भीतर गर्म संरचनाएं जैसे पौधे और इस ऊर्जा को फिर से इंफ्रारेड में विकीर्ण करते हैं और जिससे ग्लास जो है आंशिक रूप से अपारदर्शी हो जाता है और वह ऊर्जा ग्रीन हाउस के भीतर कैद हो जाती है और इस तरह से यहाँ पर तापमान में वृद्धि होती है। गर्म आंतरिक सतहों के ताप से गर्म हुई हवा को छत और दीवारों द्वारा इमारत के अंदर बरकरार रखा जाता है। इन संरचनाओं का आकार छोटे से शेड से लेकर बड़ी इमारत तक हो सकता है। तो इस तरह से ग्रीन हाउस में टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। ग्रीन हाउस को ग्लास के ग्रीन हाउस और प्लास्टिक के ग्रीन हाउस के रूप में विभाजित किया जा सकता है। प्लास्टिक में ज़्यादातर पी फिल्म, पीसी या पीएमएमए की कई दीवारों वाली शीट्स प्रयुक्त की जाती है। ग्लास के कमर्शियल ग्रीन हाउस में वेजिटेबल और फ्लावर्स के लिए उच्च तकनीकी वाली उत्पादन सुविधाएं लगाई जाती हैं। अब ग्रीन हाउस में कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो ग्रीन हाउस के लिए इस्तेमाल किया गया ग्लास हवा के प्रवाह के लिए एक बाधा के रूप में काम करता है, मतलब ग्रीन हाउस से जब उसकी दीवारों को पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है, रूफ़ पैक कर दी जाती है, तो वहाँ पर एयर किस तरह से अंदर प्रवेश करे, तो ग्रीन हाउस में ऊर्जा को बांधे रखने के रूप में पड़ता है और जो पौधे और अंदर की फ्लोर दोनों को गर्म करता है और ज़मीन के पास की हवा को भी गर्म करता है और इस हवा को ऊपर उठने और बह के दूर चले जाने से रोका जाता है। और इस तरह के ग्रीन हाउस में वेंटिलेशन लगाए जाते हैं, तो ग्रीन हाउस की छत के पास में लगाए जाते हैं या फिर उसकी साइडों में लगाए जाते हैं, तो छत के पास एक छोटा सा वेंटिलेशन उसको खोला जाता है जिससे कि तापमान उल्लेखनीय रूप से नीचे की ओर आ जाता है और ये सिद्धांत ठंडा करने की ऑटोमेट स्वचालित प्रणाली पर आधारित है।
एक छोटे से ग्रीन हाउस को एक ठंडे फ्रेम के रूप में जाना जाता है और एक सफलतम ग्रीन हाउस के लिए वेंटिलेशन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। वेंटिलेशन रखने का मेन पर्पस टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ऑप्टिमम लेवल तक मेंटेन करना होता है। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को ऑप्टिमम लेवल तक मेंटेन करना होता है तथा एयर की मूवमेंट को निश्चित करना होता है। प्लांट की पैथोजन से रक्षा करनी होती है। वेंटिलेशन ग्लास हाउस में पौधों को फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए फ्रेश एयर सुनिश्चित कराता है। मतलब वेंटिलेशन के द्वारा ही फ्रेश एयर अंदर की ओर इंटर होती है और जिससे कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आसानी से कर सकते हैं। हीटिंग, कोल्डर क्लाइमेट में जो ग्रीन हाउस बने होते हैं वहाँ पर हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर ठंड इतनी होती तो ग्रीन हाउस को हमको टेम्परेचर देकर और उसको इस तरह से करना होता है कि प्लांट्स के लिए जो ग्रो होने के लिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, जो कहना चाहिए कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है मतलब मिनिमम जो टेम्परेचर ग्रो होने के लिए सूटेबल है वो लगभग 80 डिग्री फारेनहाइट होता है। तो उतना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग कंपोनेंट्स को लगाया जाता है। कूलिंग, ग्रीन हाउस में कूलिंग विंडोज़ को खोलने पर की जा सकती है। जैसे अब अंदर यदि हीट बढ़ जाती है तो विंडोज़ जो है मतलब वेंटिलेशंस जो है या विंडोज़ जो लगाई गई हैं उसको खोल दिया जाता है, जिससे कि बाहर की ठंडी हवा अंदर इंटर करे और ग्रीन हाउस को ठंडा कर दे। लाइटिंग, कुछ ग्रीन हाउस में ग्रो लाइट्स ऑफन LED भी लगाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इनरिचमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इनरिचमेंट द्वारा प्लांट ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं, इनको ग्रीन हाउस में जो पौधों की ग्रो के लिए ज़रूरी हैं इनको ग्रीन हाउस में मेंटेन किया जाता है। लोकेशन ऑफ ग्रीन हाउस, तो ग्रीन हाउस को कहाँ पर बनाया जाए, किस तरह की लोकेशन हो वहाँ पर बना मतलब किस जगह सूटेबल होंगे ग्रीन हाउस, तो इंडियन प्लेन में ग्रीन हाउस नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में बनाए जाते हैं, जिससे इनकी लॉन्गर साइड ईस्ट की ओर और वेस्ट की ओर होती है और जिसके कारण सूर्य की तेज रेडिएशन से बचा जा सकता है। ग्रीन हाउस बनाते समय हमेशा लोकेशन, क्लाइमेट और उसमें लगाई जाने वाली क्रॉप को ध्यान में रखा जाता है। ग्रीन हाउस की कॉस्ट उसमें उपयोग में आने वाले मटीरियल पर निर्भर करती है कि हम किस तरह का मटीरियल, यदि ग्लास का मटीरियल यूज़ करते हैं तो थोड़ा महंगा होता है, PC का मटेरियल यूज़ मतलब पॉली कार्बोनेट को लिया जाता है तो वो थोड़ा सा कम होता है, पॉलीथीन ली जाती है तो उसका मटेरियल थोड़ा सा कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस, कि कितने टाइप के ग्रीन हाउस बनाए जा सकते हैं। तो मुख्य रूप से दो प्रकार के ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, एक तो इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड मतलब कूल्ड ग्रीन हाउस और अनकूल्ड ग्रीन हाउस दूसरे प्रकार के। कूल्ड ग्रीन हाउस किस प्रकार के होते हैं, तो टेम्परेट रीजन, कूल्ड जैसा नाम है कूल्ड और अनकूल्ड, तो कूल्ड ग्रीन हाउस जो होते हैं ये मुख्य रूप से टेम्परेट रीजन में बनाए जाते हैं, जहाँ पर अत्यधिक ठंड के कारण किसी भी क्रॉप को सफलतापूर्वक नहीं लगाया जा सकता। दूसरे स्थान जहाँ पर समर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ऐसे ग्रीन हाउस में हीटिंग व कूलिंग सुविधाएँ होती हैं और हीटिंग और कूलिंग सुविधाओं के साथ इनको बनाया जाता है। सभी ग्रीन हाउस में वेंटिलेशन जरूर होते हैं जो कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में तीन तरह के कूल्ड ग्रीन हाउस होते हैं, यूज़ किए जाते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड ग्रीन हाउस, गेबल टाइप ग्रीन हाउस और क्योनसेट ग्रीन हाउस। पहले आते हैं हम ग्राउंड टू ग्राउंड ग्रीन हाउस। तो ग्राउंड टू ग्राउंड ग्रीन हाउस किस प्रकार के होते हैं, इस तरह की संरचना को स्टील ट्यूबिंग के साथ मतलब पहले स्टील की वुडन फ्रेम बनाई जाती है, उसी तरह से स्टील की ट्यूबिंग के साथ सिंगल और डबल ट्यूबिंग से उसको सेट कर दिया जाता है, पूरी फ्रेम बना ली जाती है और फिर उसके ऊपर सिंगल या डबल पॉलीथीन कवर बनाया जाता है। ग्रीन हाउस में बेटर माइक्रोक्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए डबल पॉलीथीन कवर का भी इस्तेमाल किया जाता है। UV स्टेबलाइज्ड
फाइबर ग्लास का भी कवरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस टाइप के ग्रीन हाउस में। और इसका इस तरह के जो यूवी स्टेबलाइज्ड फाइबर ग्लास जो है, इसका जो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसकी साइट के पास लंबे पौधों को नहीं लगाया जा सकता। ग्राउंड टू ग्राउंड ग्रीन हाउस जो होता है, इसके अंदर ग्राउंड पर ही पौधों को लगाया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो साइड है वो थोड़ी सी कवर्ड, मतलब थोड़ी सी साइडें थोड़ी सी छोटी होती है, उसको डोम शेप में बनाया जाता है। तो उसमें साइडों पर बड़े प्लांट्स को नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि साइडों की हाइट कम होती है। इसकी जो आइडियल साइज़ है वो 9 मीटर विड्थ और 28.8 मीटर विड्थ जो है 9 मीटर के लगभग रखी जाती है, 3.0 से 3.6 मीटर की हाइट रखी जाती है और 28.8 मीटर इसकी लेंथ रखी जाती है। तो इस प्रकार ग्राउंड टू ग्राउंड ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं इतनी साइज़ के। इसके पास दूसरे प्रकार के आते हैं गैबल टाइप ग्रीन हाउस। इस प्रकार के ग्रीन हाउस में स्टील ट्यूब्स राउंड या स्क्वायर आकार में उपयोग में ली जाती है और इसकी साइड और टॉप को फाइबर ग्लास या फिर पॉलीकार्बोनेट या पॉलीशीट के द्वारा कवर किया जाता है। और इसकी बेसिक डिज़ाइन प्रत्येक ग्लेजिंग मटेरियल के साथ बदल सकती है। जो बेसिक डिज़ाइन है वो जो भी मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं तो उस मटेरियल के हिसाब से इसकी साइड जो है वो इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा बदल सकता है। इस प्रकार के ग्रीन हाउस टेम्परेट रीजन के लिए सूटेबल होते हैं। इसमें मुख्यतः फॉलिएज, फ्लावर प्लांट्स और अन्य वैल्यूएबल क्रॉप्स को लगाया जाता है। इनकी जो आइडियल साइज़ होती है वो 28.8 से लेकर 36 मीटर लेंथ होती है और इनकी विड्थ होती है 8.7 मीटर। क्विनसेट टाइप के जो ग्रीन हाउस हैं, इस प्रकार के ग्रीन हाउस की रूफ जो है वो सेमी राउंड होती है और रूफ और साइड को पॉलीथीन शीट या पीसी या फाइबर ग्लास के द्वारा कवर्ड किया जाता है। और आइडियल साइज़ इसकी होती है 28.8 से 36 मीटर लेंथ होती है, 8.7 विड्थ होती है और 2.4 से 3 मीटर इनसाइड और जो सेंटर की हाइट, साइड की हाइट जो है वो इतनी होगी 2.4 से 3 मीटर तक। और जो सेंटर की हाइट होती है, क्योंकि ये कैसा है, थोड़ा सा गोलाई लिए हुए है, सेमी राउंड इस आकार में है, तो सेंटर में जो है उसकी हाइट ज़्यादा होगी और साइडों की हाइट कम होगी। तो साइड की जो सेंटर की जो हाइट है वो 3.6 से 4.24 मीटर तक की हाइट होती है। तो इस प्रकार से ये जो कूल्ड ग्रीन हाउस है ये इस प्रकार होते हैं। अब जो अनकूल्ड ग्रीन हाउस है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।